हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डर्मिफाई क्रीम के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। डर्मिफाई क्रीम का मुख्यतः उपयोग स्किन इन्फेक्शन में किया जाता है। आइए इस क्रीम के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। यह कैसे काम करती है, इसे कैसे यूज करें, इसे यूज करने से क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके क्या बेनिफिट है, इस क्रीम से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यूनिवर्सल ट्विन लैब्स कंपनी की ये 15 ग्राम की ट्यूब आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 50 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। डर्मिफाई क्रीम में क्लोबेटासोल प्रोपिनेट IP 0.05%, जेंटामाइसिन सल्फेट IP 0.10%, टोलनाफेटेड IP 1%, आइडो क्लोहाइड्रो क्लिनोनोलिन IP 1%, क्लोट्रिमाजोल IP 1% ये कंटेंट समाविष्ट है। बात करते हैं इस क्रीम के यूजेस के बारे में, इसे किन किन समस्याओं में यूज किया जाता है। डर्मिफाई क्रीम का मुख्यतः इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में किया जाता है। इसका इस्तेमाल त्वचा लाल होने की समस्या में भी किया जाता है। त्वचा पर खुजली आने की समस्या जैसे दांत खाज खुजली की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे फंगल इन्फेक्शन में भी यूज करते हैं। स्किन में एलर्जी की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या हो या फिर स्किन में सूजन खुजली की समस्या हो तो भी इस क्रीम का यूज किया जाता है। बात करते हैं इसे यूज करने के तरीके के बारे में, इसे कैसे यूज करें। थोड़ी सी मात्रा में इसे अपने हाथ पर लेकर आप इन्फेक्शन वाली जगह पर इसे लगा दे। इसे आप दिन में 2 बार या फिर रात को सोते समय भी यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस क्रीम के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आपको इस क्रीम के इस्तेमाल से कोई भी साइड इफेक्ट महसूस होता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसे डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके इस्तेमाल से आपको स्किन में जलन, स्किन में खुजली होना, स्किन में सूखापन आना, इरिटेशन होना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानी। अगर आपको इस क्रीम में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है या फिर आपको इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप इसका यूज करना बंद कर दें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन या फिर क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को जरूर दें। इसे जख्म पर या घाव पर और जली हुई जगह पर इस्तेमाल न करें, इससे आपकी सेहत पर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन न्यूज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।